नमस्कार, अगर आपको भी है ऑनलाइन गेमिंग का जुनून तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि आपके ये शौक आप पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इन गेमिंग ऐप से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चाइना कर रहा है डेटा सेंटर में स्टोर। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, खासकर चीन के ऐप को लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश अलर्ट है। अमेरिका में पिछले दिनों टिकटॉक जैसे शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप को बैन कर दिया गया था और भारत में भी 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप पर बैन लगा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च फर्म ने दावा किया है कि इन ऐप से भी ज्यादा खतरनाक चीन के गेमिंग ऐप है, जो दुनिया भर से लोगों का पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं। मतलब यूजर्स जहां ऑनलाइन गेम से खुश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन इसी ऐप के जरिए उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा कर अपने डेटा सेंटरों में सेव कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी हालिया रिसर्च में कहा है कि चीन की सरकार लोगों के पर्सनल डेटा को चुराने का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चला रही है। रिसर्च फर्म ने चेतावनी भी दी है कि सिर्फ टिकटॉक से ही खतरा नहीं है, बल्कि कई पॉपुलर ऐप्स के जरिए चीन ने अपनी अथॉरिटीज तक लोगों की पर्सनल जानकारियां भेज दी हैं। चीन के 3 ऐसे ऐप हैं जिनसे पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा सबसे ज्यादा है, और इसमें पहला नाम फैंटेसी एक्शन गेम्स जेंसन इम्पैक्ट का है। इसके अलावा राइड बुकिंग ऐप दीदी राइडर और पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेमू के जरिए चीन अपने यूजर्स के पर्सनल डेटा को चुरा रहा है। जेंसन इम्पैक्टिंग गेमिंग ऐप के पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इस स्टडी के माने तो उनके मुताबिक दुनिया भर से यूजर्स के पर्सनल डेटा को जुटाकर चीन ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को अपने मुताबिक चेंज करना चाहता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा करके चीन जो है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और लोगों की पसंद को अपने मुताबिक ढालने के अलावा चीन के कल्चर, टेक्निक, इकोनॉमी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया पर थोपने का प्लान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेमू ऐप का इस्तेमाल कर चीन ये समझ रहा है कि लोगों की पसंद क्या है और वे अपनी दुनिया में रियलिटी कैसे मानते हैं। इस स्टडी में आए रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि चीन की चाल से बचने और फ्यूचर में होने वाले थ्रेट से बचने के लिए दुनिया को अभी से तैयारी करनी होगी। पर सवाल यहाँ पर ये कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह का मजबूत डिफेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, और ये अपने आप में देश और दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें पर्सनल डेटा शेयर करना कंपलसरी हो जाता है, फिर वो चाहे गेमिंग ऐप हो या फैशन रिलेटेड ऐप। अब ऐसे में इंडिया इसके खिलाफ क्या कदम उठाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।